बागपत के समालखा उपखंड मंडल के क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जहां आए दिन लूट, चोरी, मर्डर जैसी वारदातें सामने आ रही हैं। इस दौरान एक बार फिर समालखा में सरेआम एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं कार्रवाई को लेकर गुस्साए परिजनों, व्यापारियों, साथियों ने नेशनल हाईवे 44 पर चक्का जाम कर दिया। तो वहीं बाजार बंद पर पुलिस प्रशासन ने से गुहार लगाई है। मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता भी सामने आई है और सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा फेल साबित हुआ है, जिसकी वजह से बेटा अपने पिता का शव ऑटो में लेकर भटकने को मजबूर हो गया। और मेरे दोस्त एक नाई है वहाँ पे लोटस के नाम से, वो आया था मेरे पास कि तेरे पापा को देखियो क्या हुआ। तो वहाँ जाके देखा तो गोली लगी हुई थी, नाक में से खून बह रहा था। तो मैंने उसने और मैंने पापा को पहले गली में लुटाया, फिर सारे लोग इकट्ठे हो गए, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई वो गाड़ी ले आए या कुछ ले आए। हम दोनों ने मिल के और एक जने ने मिल के पहले तो रिक्शा, मेट्रो रिक्शा में लेके गए और वहाँ मलिक हॉस्पिटल में वहाँ गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ इलाज नहीं है। फिर हम सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ ना एम्बुलेंस थी ना डॉक्टर थे, बोले यहाँ नहीं पानीपत लेके जाओ। फिर वहाँ से हम वहाँ पे फिर मैंने 112 नंबर पे फ़ोन करा, 112 नंबर पे तब 2 मिनट बाद पुलिस आ गई थी। तो मैंने उनको कहा अंकल जी आप मेरे पापा को वहाँ गाड़ी में वहाँ ले जाओ। तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं करा, उन्होंने कहा ऑटो खड़ा था, ऑटो बुलाया, बोला ऑटो कर दे और वहाँ जा पानीपत जाएगा और जाते किराया दे दिया इसको। और वहाँ की CNG खत्म हो गई थी उसकी बीच में। जब ये जैसे कि बेटा बता रहा है जिसके पिताजी को, राजकुमार जी को, मित्तल जी को गोली लगी है, जैसे बेटा बता रहा है कि मैंने 112 पे फ़ोन किया, पुलिस तो आ गई लेकिन उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया इसको, इसके पिताजी को हॉस्पिटल तक पहुँचाने का, फर्स्ट एड दिलवाने का। इसमें तो उन्होंने उनकी कोताही है, हो सकता है वो बच भी सकते थे, टाइम पे फर्स्ट एड मिल जाती थी जैसे भाई बेटा बता रहा है। तो ये तो हर आदमी कोई भी आदमी संभाल खा को, कोई बच्चा, व्यापारी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे हालात चलते रहे तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, ये बात काबू होने वाली नहीं होगी, अभी इस पर कंट्रोल किया जाए। कल शाम को हमने सूचना मिली थी कि समाल का माता पुलिया चौक के आसपास एक दुकानदार, दुकान वाले को, एक किसी ने राजकुमार नाम के व्यक्ति को गोली मार दी थी, जिस सूचना पर हम हॉस्पिटल पहुंचे थे जहां ब्रोड डेड मिला था। उसके बाद हमने उसके बेटे के बयान पर FIR कर दी है और आज पोस्टमार्टम करा के आगे तफ्तीश कर रहे हैं। ये अभी एक व्यापारी को, राजू भाई को गोली मारी गई है और समालखे में जो है बिल्कुल जंगल राज की तरह कानून हो रहा है। अभी 2 महीने पहले विनोद को गोली मारी गई थी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।